हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नाइकॉन का बहुत ही फेमस लेजेंडरी DX कैमरा, और ये कैमरा है आपका नाइकॉन D7000। गाइस ये बहुत ही फेमस कैमरा है। एक वक्त पे ये 1.5 लाख रुपए का आता था, लेकिन आज की तारीख में इसकी कीमत काफ़ी कम हो गई है। आपको बहुत ही इजीली ये मिल सकता है। इसके प्राइस के बारे में, इसकी पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इससे लिए हुए फोटोज़ और वीडियो के सैंपल, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियोज डालूँ सबके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2010 में, तो उस हिसाब से ये 12 साल पुराना हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में भी ये बहुत ही बेहतरीन फोटोज भी लेता है, वीडियो भी लेता है, और बहुत सारी फीचर जो आपको इस कैमरा में मिल जाती है वो आज की तारीख में आपको 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के कैमरों में मिलेगी गाइस। लेकिन ये कम पैसे में इतनी फीचर्स आपको दे देता है ये कैमरा। अगर हम इसके सेंसर की बात करें गाइस, तो इसमें आपका 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, और गाइस 16 मेगापिक्सल मोर देन एनफ होते हैं। आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर सकते हैं, बड़े लार्ज प्रिंट आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको कहता है कि यार आपके पास 100 मेगापिक्सल होने चाहिए, जैसे आजकल बहुत से मोबाइल फोन में कैमरा आ रहे हैं जिनका 100 मेगापिक्सल होता है, लेकिन वो काम के नहीं है। जब आप फोटोज को व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो या इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, तो उनका रेजोल्यूशन चाहे वो 100 मेगापिक्सल का हो या 50 मेगापिक्सल का, रिड्यूस होके हार्डली 2 मेगापिक्सल रह जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कैमरा मिल रहा है जिसका मेगापिक्सल 10 या उससे ज्यादा है, तो वो मोर देन एनफ है। इवन अगर आप आईफोन की बात करो, आईफोन के जो लेटेस्ट फोन है उनका ज्यादा से ज्यादा 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन उनकी इमेज क्वालिटी जो आपके ये 10,000-12,000 वाले ओप्पो वीवो के फोन है उनसे मच बेटर होती है गाइस। अगर हम इसकी ISO रेंज की बात कर लें गाइस, तो 100 से लेके 6400 तक इसकी नेटिव है, जिसको कि आप एक्सपेंड करके 25,600 तक ले जा सकते हैं। तो लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छी है। फ्रेम पर सेकंड की अगर हम बात करें, तो ये 6 फ्रेम पर सेकंड में शूट करता है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर कैमरा होते हैं वो सिर्फ 5 फ्रेम पर सेकंड या 3 फ्रेम पर सेकंड शूट करते हैं। अगर आप इसके साथ में नीचे में बैटरी ग्रिप को ऐड करें, तो फिर आप 8 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हैं। फिर ये कैमरा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी चॉइस बन जाता है। और बैटरी ग्रिप गाइस बहुत ही चीपली मिल जाती है, 2,500 रुपये में आपको इसकी बैटरी ग्रिप मिल जाएगी, और फिर आप 8 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर पाएंगे गाइस। इसकी अगर हम पीछे की इसकी स्क्रीन की बात करें गाइस, तो ये स्क्रीन इसकी 3 इंच की है, कोई भी टच नहीं है इसमें, और उसके अलावा गाइस ये आपकी नॉर्मल जैसी स्क्रीन होती है वैसी है, लेकिन रेजोल्यूशन इसका काफ़ी अच्छा है। आपको अपनी फोटोज़ वगैरह को इसमें देखना है तो आप इजीली देख सकते हैं, पूरा जूम आउट करके काफ़ी बड़ी और काफ़ी क्लियर और शार्प इसकी स्क्रीन है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके वजन की बात करें गाइस, तो ये काफ़ी हैवी है। अगर इसकी सिर्फ बॉडी की ही बात करें, 780 ग्राम इसकी बॉडी है, ऊपर से जो इसके साथ में बैटरी आती है उसका भी वजन 100 ग्राम के आसपास है, और काफ़ी हैवी ड्यूटी और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इसे हाथ में होल्ड करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने कोई एक प्रोफेशनल कैमरा होल्ड किया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी एकदम एक्सेलेंट है, वेदर सील्ड इसकी बॉडी है, अगर आप हल्की फुल्की बारिश में या खराब मौसम में इसको यूज कर रहे हो तो कैमरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेदर सील्ड इसकी बॉडी है। अगर हम इसकी वीडियो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, तो इसमें आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको 24 फ्रेम पर सेकेंड इसमें मिल जाता है, फुल HD 24 फ्रेम पर सेकेंड, जो कि काफी अच्छा है। और साथ में आपको इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए भी अलग से पोर्ट मिल जाता है, तो आप अलग से एक्सटर्नल माइक इसमें लगा के बहुत ही बेहतरीन ऑडियो को कैप्चर कर सकते हैं। और गाइस इसका ऑटोफोकस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान काम करता है, तो आपको अगर अपने ऑटोफोकस को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ये बुरा कैमरा नहीं है, आप बहुत अच्छे सिनेमेटिक वीडियो इससे बना सकते हो गाइस। गाइस ये आपका फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, दिखने में ये फुल फ्रेम कैमरे जैसा लगता है। जो नाइकॉन D600 है वो भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही दिखता है, सेम उनका बटन लेआउट है, लेकिन ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है गाइस, तो इसमें भी आपको 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर मिल जाएगा। इसमें आप फुल फ्रेम वाले लेंसेज भी यूज कर सकते हैं,
और आप इसमें अपने DX वाले लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी बात, इस कैमरे की बॉडी के अंदर आपको बिल्ट इन ऑटो फोकस मोटर मिल जाता है, तो इसलिए अगर आपको नाइकोन के पुराने लेंसेज जिनके अंदर फोकस मोटर नहीं होता था, जैसे कि 50mm f/1.8D या AF वाले जितने भी लेंसेज हैं, वो सारे लेंसेज आप इस कैमरा बॉडी पे यूज कर सकते हैं और एकदम परफेक्टली काम करेंगे। ऑटो फोकस, शार्पनेस, सारी चीजें एकदम जबरदस्त काम करेगी गाइस। वो वाले लेंसेज आज की तारीख में भी बहुत अच्छे फोटो लेते हैं और बहुत चीपली मिल जाते हैं गाइस। तो इस कैमरा बॉडी को लेने के बाद आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप पुराने लेंसेज बहुत चीपली ले सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा गाइस, अगर इसकी डायनेमिक रेंज की बात की जाए तो इसकी डायनेमिक रेंज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, 13.7 इसकी डायनेमिक रेंज है। तो इस वजह से अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार कैमरा आपके लिए हो जाता है गाइस। और जो सबसे बड़ी फीचर इस कैमरा की, जो कि इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है गाइस, इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिल जाती है। तो आप एक वक्त पे इस पे दो कार्ड लगा सकते हो, तो उससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो जाएगा कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, इवेंट फोटोग्राफी करते हो, तो आप डुप्लीकेशन कर सकते हो फोटोज का। तो जितने भी फोटो आप क्लिक करोगे तो दोनों कार्ड के अंदर वो फोटो सेव हो जाएंगे गाइस। और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है गाइस, क्योंकि आपके SD कार्ड कभी भी खराब हो सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आप डुअल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा यूज कीजिए गाइस। अगर मान लो आपका एक कार्ड खराब हो गया तो एटलीस्ट जिस इंसान की आप वेडिंग कवर कर रहे हो उसके फोटो दूसरे कार्ड में रहेंगे, लेकिन अगर आप एक कार्ड स्लॉट वाला ही कैमरा यूज कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी में और आपके सारे फोटो चले गए, तो उस इंसान की शादी तो दोबारा नहीं होगी, सारे फोटो उसके चले जाएंगे। तो इसलिए D7000 ये कैमरा जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, ये आपका सबसे फेवरेट और सबसे फेमस कैमरा बन गया था वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जो जो फीचर्स आपको चाहिए सारी इसमें थी, प्रोफेशनल बिल्ड क्वालिटी, प्रोफेशनल इसकी बॉडी और डुअल कार्ड स्लॉट, जो कि सबसे बड़ी इस कैमरा की फीचर है गाइस। उसके अलावा गाइस, आपको इसमें जो आपके लेंसेज अगर बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप माइक्रो एडजस्ट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने लेंस लिया, वो या तो बैक फोकसिंग कर रहा है या फ्रंट फोकसिंग कर रहा है, जैसे मेरे चेहरे पे फोकस करने के बजाय वो मेरे चेहरे के पीछे या चेहरे से पहले फोकस कर रहा है, तो उस वजह से आपकी इमेजेस में शार्पनेस की कमी हो जाती है, क्योंकि करेक्ट जगह फोकस नहीं हो रहा। लेकिन इस कैमरा में आप माइक्रो एडजस्ट हर एक लेंसेज को करके एकदम प्रिसाइज फोकसिंग कर सकते हो, तो आपको जितने भी लेंसेज आप यूज करोगे एकदम परफेक्ट और सबसे ज्यादा मैक्सिमम शार्पनेस मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन फीचर है इस कैमरा में। उसके अलावा गाइस, बाकी जैसी आपकी सभी कैमरा में फीचर होती है, इसमें भी आपका पॉप ऑन फ्लैश है ऊपर, लेकिन इसके फ्लैश की पावर जो आपके D3000 और 5000 सीरीज के कैमरा उनसे थोड़ी ज्यादा है। इसमें आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकते हो, ये काफी अच्छी फीचर आपको मिल जाती है। आपको HDR फोटो क्लिक करने, आप मल्टीपल एक्सपोजर में उनको शूट कर सकते हो गाइस। उसके अलावा हर चीज के लिए इसमें आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं। कोई भी आपको सेटिंग चेंज करनी है, ISO चेंज करना है, आपको इमेज की क्वालिटी चेंज करनी है, आपको वाइट बैलेंस चेंज करना है, मीटरिंग मोड चेंज करना है, आपको शटर स्पीड चेंज करनी है, अपर्चर चेंज करनी है, उनके लिए तो इन्होंने डेडिकेटेड डायल ले लिए। सामने वाले डायल से आप अपर्चर को चेंज कर सकते हो, पीछे वाले डायल से आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो, हर एक चीज आप इन बटनों को दबा के चेंज कर सकते हो। और ऊपर में आपको एक टॉप में LCD स्क्रीन भी मिल जाती है, जिसमें कि आप अपनी सारी सेटिंग्स देख सकते हो कि अभी कैमरे की क्या शटर स्पीड है, क्या मीटरिंग मोड है, डिफरेंट सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आप बार बार मेनू के अंदर जाके मेनू बटन दबा के, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सेटिंग को चेंज करो, क्योंकि आप जब एक बार मेनू में जाते हैं कई बार आपको चीज़ों को खोजने में ढूंढने में समय लगता है। लेकिन इसमें हर चीज़ के लिए क्योंकि बटन है, तो आप सीधे बटन दबाओ, सेटिंग्स को चेंज करो और सीधे फोटो क्लिक करो और ये ऊपर की टॉप LCD में आप अपनी सेटिंग्स देख सकते हो। तो इसलिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा एकदम बेस्ट है। हर एक चीज जो एक प्रोफेशनल कैमरा में होनी चाहिए इस कैमरा बॉडी के अंदर है गाइस। उसके अलावा गाइस, आप इस कैमरा में टाइम लैप्स वीडियोस भी बना सकते हो, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। हर कैमरे में आपको ये फीचर
नहीं मिलती गाय। अगर हम इसकी ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस की बात करें गाय, इस कैमरा में आपको 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से 9 क्रॉस टाइप वाले हैं। और फोटोग्राफी में गाय बहुत ही शानदार इसकी ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस है। इवन अगर लाइट बहुत ही कम है, डिम लाइटिंग में भी बहुत ही ईजिली ये फोकसिंग कर लेता है, कोई भी इसको दिक्कत नहीं होती। अगर आप D3000 सीरीज के कैमरा 5000 सीरीज के कैमरा से इसके कंपेयर करोगे तो इसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है उनके मुकाबले गाइस। और वीडियो में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक ठाक काम करता है इसका ऑटो फोकस, जैसा कि नाइकोन के जितने भी पुराने कैमरों के साथ प्रॉब्लम है फोकस हंटिंग वो कर सकते हैं। तो अगर आपको इस कैमरे से बेहतरीन वीडियो बनानी है तो आप कोशिश करें कि या तो मैनुअल फोकस को यूज़ करें या फिर आप अपना फोकस पहले एक जगह लॉक कर लें और उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें, ताकि आपकी वीडियो में कोई भी फोकस हंटिंग ना हो और ना ही फोकसिंग का कोई नॉइज हो गाइज। अब हम गाइज इससे लिए हुए कुछ सैंपल फोटोज देख लेते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर इससे लिए हुए सैंपल फोटोज डाल देता हूँ। और अधिकतर ये फोटोज मैंने कुछ साल पहले भी लिए थे, कुछ नए लिए थे। कुछ फोटो मैंने 50mm f/1.8 वाले लेंस के साथ लिए हैं, कुछ फोटोज मैंने लिए हैं 18-105 वाला जो इस पर किट लेंस मिलता है उसके साथ। और ये वाला जो किट लेंस है बहुत ही अच्छे फोटो ये लेता है, इससे भी आप काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात जो मुझे फोटो में लगी, इस कैमरा में आपको कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने प्यारे और रिच कलर्स निकल के आते हैं। डायरेक्टली जेपैग में मैंने शूट किए थे फोटो, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, इतने प्यारे फोटोज निकल के आते हैं। कलर्स, उनका सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, सब चीज़ एकदम एक्सलेंट इससे निकल के आती है गाइस। अगर हम इसको एपर्चर ब्राइटनेस वाले मोड में यूज़ करते हैं तो मान के चल लीजिए 99% ऑफ द टाइम ये कैमरा एकदम करेक्ट शटर स्पीड चूज़ करता है, करेक्ट एक्सपोजर को ये आपके लिए निकालता है। तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप इसको ए वाले मोड में, एपर्चर ब्राइटनेस मोड में यूज़ करते हैं। उसी में ही आप सारे फोटो ईजिली निकाल सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे गाइस। अब गाइस इससे ली हुई वीडियो की जो फुटेज है मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसी वीडियो हम इससे बना सकते हैं गाइस। क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था आज जब मैंने ये वीडियो फुटेज बनाई, तो आपको वीडियो में इतना मज़ा नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैमरा अच्छी वीडियो नहीं बना सकता। लाइटिंग कंडीशन बहुत बेकार थी, बारिश हो रही थी, बहुत ही डार्क वेदर था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस कैमरे ने निकाले। हेलो गाइस, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्टली D7000 कैमरा से है और इस पर मैंने 18-105 वाला किट लेंस लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 18 पे इसको ऐसी जूम रेंज मिल रही है, और जब मैं 105 पे जा रहा हूँ तो आप सब्जेक्ट के इतना करीब जा सकते हैं। और इसका ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी देखिए आप, कितनी अच्छी शार्पनेस और कलर्स इसमें निकल के आ रहे हैं गाइस। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे कैसा आप बैकग्राउंड ब्लर ले सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल पा रहा है। और आज काफ़ी बेकार मौसम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इस कैमरे की वेदर सील्ड बॉडी है तो बारिश में भी अच्छा काम करेगा। और इसके अंदर आपको क्योंकि डुअल कार्ड स्लॉट्स मिल जाते हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बहुत ही शानदार ये कैमरा रहेगा गाइस। अब गाइस क्लोजअप में मैं ये कैमरा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैमरा दिखने में कैसा दिखता है। तो गाइस पीछे से ये ऐसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज़ के लिए इसमें आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं। इस वाले से आपका लाइव व्यू ओपन होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसी से आपकी स्टार्ट होती है। रेड कलर का जो बटन दिया हुआ है इसको दबा के आप वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसमें आपको व्यू फाइंडर ये मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, जब आप इसके थ्रू देखते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ नज़र आती है, क्योंकि इसमें आपका पेंटा प्रिज्म है। जो आपके छोटे वाले जो कैमरे होते हैं जैसे कि नाइकोन D3000 या 5000 सीरीज़ के, उसमें पेंटा मिरर होता है, वो छोटा होता है, ना तो इतना ब्राइट होता है, उसकी क्लैरिटी भी कम होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसमें आपके ऑटो फोकस पॉइंट भी बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, तो आपके लिए ऑटो फोकसिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप ऑटो फोकस पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ऊपर इसमें आपको ये टॉप LCD स्क्रीन मिल जाती है, और इस टॉप LCD स्क्रीन में आप अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। और इस तरफ पे आपको ये मोड डायल मिल जाता है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल कैमरा है। इस मोड डायल के नीचे भी एक और डायल है जिससे कि आप अपने शूटिंग मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिंगल शूटिंग करनी है या आपको कंटिन्यूस मोड में शूटिंग करनी है, ये सब चीज़ें आप
चेंज कर सकते हैं गाइस। और आप देख सकते हैं कि सामने भी यहाँ पे आपको एक डायल मिला हुआ है जिससे कि आप अपर्चर को चेंज कर सकते हैं। पीछे भी आपको एक और डायल मिला हुआ है जिससे आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो आपको वो प्लस माइनस बटन दबा के आपको चेंज नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब इधर पे आप देख सकते हैं कि ये आपको दो कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, आप इसमें भी कार्ड डाल सकते हैं इसमें भी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है गाइस। और इस तरफ अगर हम देखें, आप देख सकते हैं इस तरफ आपको माइक कनेक्ट करने के लिए HDMI और USB पोर्ट, ये सारे पोर्ट मिल जाते हैं। तो कुल मिला के सारी पोर्ट्स हैं इसमें और फीचर्स इसमें बहुत अच्छी है जो कि आपके एक प्रोफेशनल कैमरा में होनी चाहिए गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की गाइस। अगर हम इसके प्राइस की बात करें गाइस, तो ये कैमरा आपको मिल जाना चाहिए इस वाले 18-105 वाले लेंस के साथ 23,000 रुपये के आसपास। मैक्सिमम अगर कोई आपको दे रहा है तो 25,000 रुपये मैक्सिमम देने हैं आपको इस कैमरा बॉडी के। और 20 और 25 के बीच में अगर आपको ये कैमरा मिल जाता है अच्छी कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा प्राइस रहेगा। अगर आपको कोई बंदा ये ज़्यादा यूज़ किया हुआ कैमरा देता है कि अगर मान लो इसका शटर काउंट 50,000 हो चुका है या 70,000 या 80,000 या 1,00,000 भी अगर इसका शटर काउंट है तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका फुली प्रोफेशनल एकदम रोबस्ट कैमरा है। 1,00,000 शटर होने के बाद भी ये एकदम बिल्कुल नए जैसा काम करेगा, इसका शटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाए हुए हैं कैमरा, एकदम सॉलिड कैमरा बनाए हुए हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो 1,00,000 शटर काउंट भी अगर पहुंच गया तो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं कैमरे को। इनफैक्ट अगर आप 1,00,000 शटर काउंट वाला कैमरा लोगे तो शायद वो बंदा आपको 16-17,000 में भी उस कैमरे को दे दे, क्योंकि यूज़ किया हुआ ज़्यादा है तो आपको और सस्ते में मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000, 20 और 25 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी कंडीशन कैसी है, ज़्यादा यूज़ किया हुआ है नहीं, घिसा हुआ है, उसमें कोई डेंट वेंट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो प्राइस डिपेंड करेगा। तो 20 और 25 के बीच में आप इस कैमरा को ले सकते हैं। तो क्या ये कैमरा आपको लेना चाहिए आज की तारीख में गाइस? अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए इवन आज की तारीख में, तो आप डेफिनेटली ये वाला कैमरा ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिल रहे हैं। आप कोई और लेटेस्ट कैमरा जिसमें कि एक कार्ड स्लॉट है उसके बजाय आप ये थोड़ा पुराना ज़रूर है, लेकिन इसमें जो आपको फीचर्स मिल रही है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए वो आपको नए कैमरों में भी नहीं मिलेगी गाइस। इसमें आप अलग से एक्सटर्नल ट्रिगर करके आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको बहुत कम कैमरों में ये फीचर आपकी मिलती है। तो वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए ये कैमरा एकदम बढ़िया रहेगा। अगर आप स्टूडियो में फोटोग्राफी करते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, तब आपके लिए ये कैमरा बेस्ट है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिस पर आपको फोटोग्राफी सीखनी है, तब शायद आपको ये कैमरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी भारी है और इसमें आपके बटन्स वगैरह इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा ये शुरुआत में यूज़ करना। तो तब आपके लिए जो D3000 सीरीज़ के कैमरे हो गए या D5000 सीरीज़ के कैमरे, वो आप लोगों के लिए थोड़े बेहतर रहेंगे अगर आप बिगिनर हो। लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर आप हो तो आप कभी भी रिस्क ना लीजिए, हमेशा डुअल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा यूज़ कीजिए गाइस। ये जो कैमरा है D7000, इसी के बाद एक D7100 कैमरा आया था और D7200 कैमरा, वो भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है। उनमें थोड़े आपको मेगापिक्सल ज़्यादा मिल जाते हैं, ऑटो फोकस पॉइंट थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन उनके बटन्स, लेआउट और फीचर्स एग्जैक्टली सेम है। वो भी बेहतरीन कैमरा है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। लेकिन अगर आपको बजट में चाहिए सस्ता कैमरा, क्योंकि वो जो दो कैमरे हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा महंगे मिलेंगे, 30-35,000 या 50,000 में मिलेगा अगर आप D7200 की बात करो, लेकिन ये कैमरा आपको 25,000 से कम में मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोफेशनल काम, वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, इवेंट फोटोग्राफी इससे कर सकते हो, पेड वर्क जहां आपको पैसे मिलते हैं काम करने के, उसके लिए इससे बेस्ट कैमरा नहीं रहेगा गाइस। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इस कैमरे का फुल डिटेल ट्यूटोरियल जल्दी ही चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, आप देख पाएंगे कि कैसे आप इस कैमरे को यूज़ कर सकते हो, क्या बेस्ट सेटिंग रहेगी फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में।